as you can see, जैसे कि देख सकते हो ये है IQ 3 का बॉक्स जो कुछ इस तरह से आने वाला है। ये होने वाला है 5G डिवाइस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर उसका भी ब्रांडिंग किए गए, हाईलाइट किए गए 5G का। और यहाँ पर IQ का जो लोगो होता है जैसे कि वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा IQ। और बॉक्स की साइड पर भी लिखा है IQ 3 5G, 3 तो नहीं लिखा है, 5G लिखा है। बॉक्स की दूसरी साइड पर भी लिखा है IQ 5G, कुछ इस तरह से होने वाला है IQ 3 का बॉक्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में से IQ 3 का अनबॉक्सिंग करके इसका हर एक स्पेसिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ। उससे आगे एक डमी है एंड आपको ऐसी अनबॉक्सिंग देखना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग डेली ऐसी जो लॉन्च नहीं होता है उसी डिवाइस का हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, इसलिए लाइक कर देना। सो हम लोग बॉक्स को ओपन कर लिया एंड ये पूरा येलो कलर का बॉक्स होगा, अभी इस बॉक्स को साइड कर देते हैं। एंड सबसे पहले ऊपर पे आपको लिड मिलता है, लिड के अंदर क्या कुछ कंटेंट्स देखने को मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी ये अपना डिवाइस है, इसको साइड बाजू को कर देते हैं बाजू, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है येलो कलर का लिड। लिड के अंदर क्या कुछ कंटेनर देखते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेम इजेक्शन पिन और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देखने को मिलता है, जिसको दिखा के बोर नहीं करते, इसको भी साइड कर देते हैं। और अभी बात करते हैं बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो अपना डिवाइस को बाजू को रख देते हैं, साइड को रख देते हैं और बात करते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ कंटेंट, क्या चार्जर उसके बारे में बात करते हैं। ये रहा बैक साइड डिवाइस का, यहाँ पर 5G का ब्रांडिंग किए गए, IQ 3 का बॉक्स कुछ इस बॉक्स बोल रहा हूँ डिवाइस को जिस तरह से। उसके बाद और एक ऐसे टाइप के लीड मिलता है एंड उसके बाद आपको एक खतरनाक वाला चीज देखने को मिलता है, 55 वाट का चार्जर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 55 वाट का चार्जर। 15 मिनट पे आपका फोन फुल चार्ज नहीं, 50% चार्ज कर देगा, ठीक है, 15 मिनट पर IQ ये दबा करता है। और यहाँ पर आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगा टाइप सी पोर्ट के साथ, और कुछ इस तरह से होने वाला ये रहा इसका बॉक्स कंटेंट। अब यार बात करते हैं फ्रंट साइड के बारे में। तो फ्रंट साइड में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल काफी बढ़िया है इसका फ्रंट कैमरा। एंड साथ ही साथ डिस्प्ले साइज के बारे में 6.44 इंच के एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 1080 लेवल का डिस्प्ले होने वाला है। एंड क्वालिटी बढ़िया देख सकते हो, इसमें कितना हर्ट्ज़ का डिस्प्ले आएगा अभी तो कंफर्म मेरे पास नहीं है, मैं कंफर्म नहीं बताएंगे, इसलिए कंफर्म चीज़ ही आपको बताएंगे। तो भी बहुत ही स्मूथ लग रहा है एंड ये एक डमी है, इसलिए बता देता हूँ, इसको स्मूथ देख के आप लोग फ़ोन खरीदना मत। मैं इस डिवाइस बाय करूँगा तो आपको ओरिजिनल अनबॉक्सिंग भी दूंगा, ठीक है। इसमें पबजी वगैरह इंस्टॉल हो चुका है और कुछ इस तरह से होने वाला है डिवाइस। बात करें डिवाइस की बैक साइड के बारे में, तो बैक साइड में आपको ग्लास भी देखने को मिल जाता है। बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 4440 mAh की बैटरी टाइप सी पोर्ट के साथ और फास्ट चार्जिंग तो आपको मिल ही जा रहा है। एंड LED फ्लैश आपको बैक साइड पर मिल जाएगा और यहाँ पर LED नीचे में IQ का ब्रांडिंग और 5G लिखा होगा और बैक साइड ग्लास का होगा। यहाँ पर आपको क्वाइट कैमरा का सेटअप मिलता है, आपको यहाँ पर 64+13+13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। ओवरऑल डिवाइस का बैक साइड दिखने में काफी बढ़िया है। बात करते हैं इसका प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें जो प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 865 का। जी हाँ, सही सुन रहे हो, स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर होगा, जो एक काफी कमाल का प्रोसेसर। आपको प्रोसेसर कैसा लगा और ये डिवाइस कैसा लगा?